Hello, beautiful seventh graders. I hope you all are doing great. I hope you and your families are safe and sound. My name is Pratiksha Jain and I'm one of the educators at Unacademy, which is the largest learning platform in India. So Unacademy not only offers a range of courses, whether you want to study English, Math, Science, SST from class 1 to class 12, or if you want to prepare for some competitive exams like UPSC, UGC, NET or GMains, any course, Unacademy in sare subject, in sare exams ke liye aapko prepare karata hai. Not only that, Unacademy ke jo educators hote hain, they are one of the finest educators in India and these educators are also very highly qualified in their respective fields. So what are you waiting for? ये अपॉर्चुनिटी मिस होनी ही नहीं चाहिए. जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड PJAIN10 व्हिच विल स्ट्रेट अवे गिव यू 10% डिस्काउंट. यस, यू हर्ड मी राइट. अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं विच इज PJAIN10, तो आपको जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं हर कोर्स पे आपको 10% ऑफ मिलेगा. तो Do not miss this opportunity. Learn the best and learn from the best. And that is Unacademy. So, aaj hi apne aapko enroll kijiye and start learning. Now, moving ahead, let me tell you something about myself. My name is Pratiksha Jain and I'm one of the educators at Unacademy. I teach social science to class 7 at Unacademy. I've done my Bachelor of Arts in Psychology from Delhi University. So, that's all about myself. And now, we will move to chapter 5, which is water, class 7, geography. But before we start with water, क्या होता है, chapter 5 में क्या क्या है, water के बारे में हम जो भी समझेंगे अभी, उससे पहले, जैसा कि मैंने पहले के भी सारे videos में बताया है and emphasize किया है, कि जो subject हम पढ़ रहे हैं, उसको जानना, उसका क्या meaning होता है, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So first we'll again understand what is the meaning of geography. जिन्होंने भी मेरे पहले के videos देखे हुए हैं, उनको अब तक clear होगा कि geography का meaning क्या होता है. But for all our new viewers, let me just quickly tell you what does this term, what does the subject geography mean. So geography is made up of two Greek words. So geography derives from two Greek words, जिसमें geo का मतलब होता है earth and graphy का मतलब होता है writing. तो अगर literal sense में हम बात करेंगे, then geography is basically writing about the earth or description of the earth. But जब हम ये दोनों term जोड़ देते हैं and make it geography, then geography का meaning होता है study of the earth. यानी अर्थ के बारे में सब कुछ स्टडी करना, वेदर अर्थ पे क्या वेजिटेशंस होती है, क्या क्लाइमेट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशंस हैं, एवरीथिंग ए टू जेड रिलेटेड टू अर्थ कम्स अंडर ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में हम अर्थ से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं. सो आई होप ज्योग्राफी का क्या मीनिंग होता है आपको क्लियर होगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर वाटर. इससे जितने के पहले के जो चैप्टर्स हैं और जितना मैंने पढ़ाया और जितना आपने पढ़ा, तो आपने एक चीज रियलाइज की होगी. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट के चार डोमेन्स होते हैं. कौन कौन से? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. तो पहले के चैप्टर्स में हमने लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तो पढ़ लिया, बट इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर के बारे में. स्टार्टिंग विद वॉटर साइकिल. तो क्या होता है, ये पहले भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था, बट आई जस्ट क्विकली रिवाइज कि कैसे वॉटर साइकिल होती है, हाउ व्हाट ऑल प्रोसेसेस हैपेंस. तो क्या होता है, जब सन की जो हीट है, व्हेन इट टचेस लैंड तो क्या होता है, जो लैंड पे जो थोड़े वॉटर है और इवन जो ओशन में जो वॉटर है, इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग. क्या होता है, सन की हीट जिस कम्स ऑन द अर्थ का सर्फिस, अब अर्थ के सर्फिस पे ओशन भी है, लैंड भी है, तो जो ये लैंड और ओशन है, इसमें जो वाटर होता है, इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो ये छोटे छोटे वाटर वेपर के फॉर्म में पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगता है गर्म होके, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. आप ऐसे याद रख सकते हैं
कि वो जब पानी या लैंड पे सनरेज आती है और जब वो गर्म हो जाते हैं तो वाटर इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो वेपर है, इवेपोरेशन में भी वेपर वर्ड आता है, एंड पानी कैसे इवेपोरेट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो आप वेपर से याद रख सकते हैं कि जब वाटर वेपर्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब जब ये वाटर वेपर्स थोड़ी ऊपर जाते हैं, व्हेन दे राइज, तो एक डिस्टेंस के बाद जाने के बाद दीज वाटर वेपर स्टार्ट कूलिंग डाउन, ये ठंडे होने लगते हैं। और ये जो कूलिंग डाउन का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन को कैसे याद रखना है, यानी जब वाटर वेपर कूल होने लगते हैं यानी कि ठंडे होने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये जो सी और सी है, कूल का सी और कंडेंसेशन का सी, इससे आप याद रख सकते हैं कि जब वाटर वेपर ठंडे होने लगते हैं मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये वाटर वेपर जब ठंडे हो जाते हैं देन दे मेक द फॉर्म ऑफ देन दे टेक द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स बन जाती है, विच बेसिकली मेक्स क्लाउड। जब बहुत सारे वाटर वेपर्स राइज होते हैं और जब ठंडा होने पे यानी कंडेंसेशन होने पे जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स का एक ग्रुप बन जाता है, बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड। जब इस क्लाउड में बहुत सारे एक्स्ट्रा, बहुत जितनी ये होल्ड नहीं कर सकता उससे भी ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स जब आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, यानी कि जब ये जो क्लाउड है ये हैवी हो जाता है, तो क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाता है। और जब जो जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्लाउड के अंदर ये जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स थी ये वापस अर्थ के ऊपर ही आती है। एंड किस फॉर्म में आती है, दिस आइदर कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर स्नो के फॉर्म में आती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, ओशन और लैंड पे जब सन की रेज आई, सनलाइट आई, तो ओशन और लैंड पे जो पानी था वो गर्म हुआ, वो गर्म होने लग गया। व्हेन इट स्टार्ट्स हीटिंग अप तो जो छोटे छोटे वाटर वेपर्स हैं वो बनने लगे, यानी कि जब पानी इवेपोरेट हो गया तो वाटर वेपर्स बने। एंड जब ये वाटर वेपर्स राइज होते होते एक लेवल पे गए, एक डिस्टेंस पे गए, तो एक डिस्टेंस के बाद ही वाटर वेपर्स जो गर्म थे वो ठंडे होने लगे। इस ठंडे होने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। एंड द मोमेंट वाटर वेपर स्टार्ट्स कूलिंग डाउन दे टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। इन वाटर ड्रॉपलेट्स का एक ग्रुप फॉर्म हो गया जिसे हम कहते हैं क्लाउड। और जब इस क्लाउड में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, जब क्लाउड बहुत हैवी बन गया, तो जो क्लाउड में जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स थे ये वापस अर्थ पे ही आ गए। अभी अर्थ पे किस फॉर्म में आए, ये या तो रेन के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ये स्नो के फॉर्म में हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अभी क्या हुआ, ये अर्थ का सरफेस था, यहाँ से वाटर वेपर ऊपर उठे, फिर ठंडे हुए एक क्लाउड बना, क्लाउड से वापस ये पानी रेन या स्नो के फॉर्म में अर्थ पे ही ये पानी वापस आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइकिल बन रही है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। सो कंटिन्यूस फ्लो, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है लैंड, ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच में किसका, पानी का, उससे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हर प्रोसेस में ये जो पानी है ये अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। क्या मतलब है मेरा, जैसे ओशन और जो लैंड में जब पानी था तो वो लिक्विड स्टेट में था, जब ये लिक्विड स्टेट का पानी इवेपोरेट होने लगा, जब ये गर्म होने लगा, तो ये गैस फॉर्म में वाटर वेपर के थ्रू बन गया। वाटर वेपर इज वॉट, इट इज जस्ट अ गैस। तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर जब ये कूल ठंडा होने लगा तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। वाटर ड्रॉपलेट्स इज वॉट, इट इज लिक्विड। फिर एक क्लाउड फॉर्म हुआ और क्लाउड जब हैवी हो गया तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स वापस अर्थ पे आ गई। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स या तो रेन के फॉर्म में आ सकती है विच इज अगेन लिक्विड, या फिर ये स्नो के फॉर्म में आ सकती है विच इज अ सॉलिड। तो हर प्रोसेस में जो पानी है अपना फॉर्म बदलता जा रहा है। सो जब पानी अपना फॉर्म बदलता जाए और
ओशन लैंड एंड एटमॉस्फेयर में एक सर्कुलर मोशन में घूमता जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब वैसे तो हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया, बट अब एक हम फिर से फ्लो चार्ट के वे में समझेंगे, सो दैट वाटर साइकिल का जो पूरा प्रोसेस है इट जस्ट फिट्स इन आर ब्रेन, इट जस्ट फिट्स इन आर, इट जस्ट स्टेज इन आर हेड, और हम कभी भी भूलें। तो क्या होता है, सन की हीट जब अर्थ पे पड़ती है तो जो ओशन और लैंड पे जो पानी है इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। इवेपोरेटिंग किस फॉर्म में? वाटर वेपर में। अब ये वाटर वेपर जब राइज करते हैं तो एक डिस्टेंस के बाद ये ठंडे होने लग जाते हैं, इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी वाटर स्टार्ट्स कंडेंसिंग। फिर जब कंडेंसेशन हो जाती है तो इन वाटर, जो वाटर वेपर था वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसका एक बनता है क्लाउड। जब ये क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो इस क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी दोज जस्ट कम बैक टू अर्थ, एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, एंड दैट कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या फिर स्लीट। क्लियर? तो ये जो पूरी साइकिल घूमती रहती है इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। और अब डेफिनेशन देखें तो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म। कैसे फॉर्म चेंज करता है? पहले वाटर वेपर था, फिर वाटर ड्रॉपलेट बना, फिर वो वापस अर्थ पे किस फॉर्म में आया? या तो रेनफॉल के फॉर्म में आया, या स्नोफॉल के फॉर्म में आया, या स्लीट के फॉर्म में आया। तो द प्रोसेस बाय विच कंटिन्यूसली वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्क्यूलेट्स बिटवीन ओशन, एटमोसफेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। तो आई होप आपको पूरा जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है वो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। नाउ वी मूव अहेड टू फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर। फ्रेश यानी कि ताज़ा। तो हमें इस पूरे अर्थ में ताज़ा पानी किस किस जगहों से मिलता है? सो द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये जो है ये चार बेसिकली हमारे फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है। फ्रेश पानी ही हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम ड्रिंक कर सकते हैं। अब हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ पे इतने सारे ओशंस होते हैं, इतने सारे समुद्र होते हैं, सी होते हैं। सो आई नो अ क्वेश्चन मस्ट हैव पॉप्ड अप इन योर हेड कि आप ओशन एंड सी वाटर को फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, हम वहां से पानी क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते। तो क्या होता है बच्चों, जो ओशन एंड सी का वाटर होता है इनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो सॉल्ट है यानी कि जो नमक है वो डिजोल्व होता है। सो ओशन एंड सी वाटर आर वेरी सॉल्टी, दे आर सैलीन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट। तो हम नमक का पानी तो ऑब्वियसली नहीं पी सकते, इसलिए इस कारण से ओशन एंड सी वाटर को हम फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर में नहीं कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो फ्रेश सोर्स यानी ताज़ा पानी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है जो हम ड्रिंक नहीं कर सकते। और फ्रेश वाटर में वही पानी आता है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम पी सकते हैं। तो हमें जो पीने का पानी हमारे जो घरों में आ रहा है, जो एक्वा कार्ट से हमारे मटकों में आ रहा है या जो हमारे घरों में आ रहा है, इनका सोर्स है या तो ये पानी रिवर से आ रहा है, या कोई पॉन्ड से आ रहा है, स्प्रिंग से आ रहा है, या ग्लेशियर से आ रहा है। सो नाउ यू नो द सोर्स ऑफ द वाटर विच एक्चुअली कम्स इन योर होम। तो ये जितने भी अर्थ पे जितने भी फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है ये बेसिकली ये चार है, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। एंड जो ओशन एंड सी वाटर है उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत ही सॉल्टी और सेलीन होते हैं, यानी वो बहुत नमकीन पानी है, उसमें जो नमक है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसे नहीं पी सकते। सो आई होप फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर आपको क्लियर होगा। नाउ वी मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा कि फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर क्या है, मतलब ताज़ा पानी कहाँ कहाँ से आता है। अब हम पढ़ेंगे जितना भी अर्थ पे वाटर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें ये पता है कि जो अर्थ का पूरा जो सरफेस है उसमें 3/4 जो अर्थ का सरफेस है दैट इज कवर्ड बाय वाटर। अगर आप इस ग्लोब को भी देखेंगे जो जिफ है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो ब्लू पार्ट है दैट बेसिकली डिनोट्स वाटर, हमें पता है। तो ये कितना ज्यादा पानी अर्थ पे अवेलेबल है
यानी कि 3/4 पार्ट जो अर्थ का है वो तो पानी से ही कवर है, राइट। अब ये जो 3/4 पार्ट है इसका भी 97.3% इज द ओशन वाटर, यानी अर्थ का पूरा सरफेस है उसका 3/4 पार्ट इज कवर्ड बाय वाटर। इस 3/4 पार्ट का भी जो 97.3% है दैट इज कवर्ड बाय ओशन वाटर। एंड ओशन वाटर तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि बहुत सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है, उसकी नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सैलाइन होता है यानी कि अनड्रिंकेबल फॉर्म में होता है। हम नमक का पानी तो पी ही नहीं सकते, तो अनड्रिंकेबल फॉर्म में होता है। अब बचता है 2.7% जो कि है हमारा फ्रेश वाटर, ड्रिंकेबल वाटर। जो अभी हमने चार सोर्स पढ़े, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, That just makes up 2.7% of the total water of earth. यानी हमें पता चल रहा है ये जो हमारे fresh water के sources हैं ये कितने कम quantity में हमारे पास available है। इसी कारण से आज बहुत सी ऐसी countries हैं which face water shortage, क्योंकि पानी तो हमारे पास abundant quantity में available है, but उसमें से जितना भी पानी हमारे पास available है वो पूरा पानी drinkable नहीं है, drinkable form में नहीं है, वो फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। यानी कि हमारे पास जो फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज जस्ट 2.7%, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है। एंड इसीलिए लोग कहते हैं दैट वाटर नीड्स टू बी कंजर्व, सेव वाटर, पानी को बचाओ, क्योंकि जितना पानी बचाओगे उतना हमारे लिए ही लॉन्ग रन पे अच्छा है, बिकॉज हमारे जो सोर्स हैं पानी के वो बहुत कम है। इसलिए इट बिकम्स आर मॉरल ड्यूटी इन अ वे टू सेव वाटर इवन फॉर आर कमिंग जनरेशन, इसलिए ऑलवेज सेव वाटर। अब वी विल सी कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, सी हैं, लेक्स हैं इस वर्ल्ड मैप के थ्रू। तो पहले हम बात करेंगे ओशंस की, तो ये है पैसिफिक ओशन, देन देयर इज इंडियन ओशन, देन देयर इज आर्टिक ओशन, एक सदर्न ओशन भी होता है, एंड देन देयर इज एटलांटिक ओशन। तो मेनली हमारे पांच ओशन होते हैं, और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो एटलांटिक ओशन है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड एज नॉर्थ एंड साउथ एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप चाहें तो आप कह सकते हैं ओशन सिक्स भी हो सकते हैं, एंड फाइव ओशंस भी अगर आप बोलें देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये फाइव ओशंस कौन से होते हैं? पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सबसे बड़ा जो ओशन है अर्थ पे दैट इज पैसिफिक ओशन। फिर आता है इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, सदर्न ओशन, नॉर्थ एटलांटिक ओशन एंड साउथ एटलांटिक ओशन। तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने ओशंस हैं। नाउ वी टॉक अबाउट रिवर्स। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के जो दो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ये हमारे इंडिया की लाइफलाइन भी अगर मैं कहूँ कि ये दो रिवर्स इंडिया की लाइफलाइन है तो गलत नहीं होगा। दीज रिवर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें देन डार्लिंग रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में नाइल रिवर एंड कॉन्गो रिवर आर कंसिडर्ड एज द लाइफलाइंस ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की जितनी भी चीज़ें पानी पे डिपेंड करते हैं, फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, एग्रीकल्चरल के भी लिए जो वाटर यूज होता है वो मेनली नाइल एंड कॉन्गो रिवर से ही आता है। इसके अलावा अफ्रीका में ऑरेंज रिवर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ वी नाउ कम टू साउथ अमेरिका, तो जो अमेजॉन रिवर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना केवल साउथ अमेरिका के लिए बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज अमेजॉन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द एंटायर वर्ल्ड। जितना फ्रेश पानी का सोर्स यहाँ है पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं है। एंड नाउ इफ वी कम टू नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी रिवर, जो कि मैंने जस्ट अंडरलाइन की है। उसके अलावा नाउ इफ वी टॉक अबाउट सी यानी समुद्र, तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ पे कोरल सी, कैरेबियन सी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सीज हैं वर्ल्ड के जो आपको याद रहने चाहिए कौन सा सी कहाँ पे आता है।
एंड इफ नाउ आई फाइनली टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट लेक्स, यानी जिसे हम हिंदी में झील भी कहते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेक्स होते हैं, जैसे लेक विनिपिग, लेक सुपीरियर, ग्रेट बियर्ड लेक, ग्रेट स्लेव लेक। इन सारे जो नॉर्थ अमेरिका के जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, इनको ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नॉर्थ अमेरिका। तो आई होप पूरे वर्ल्ड में जितने मेजर ओशंस हैं, लेक हैं, सी है, रिवर है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से कंट्री में कौन कौन से रिवर, लेक, सी इम्पॉर्टेंट हैं, और जो वर्ल्ड में जितने ओशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं। सो आई होप दिस पार्ट वुड बी क्लियर टू यू। नाउ वी मूव टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ओशन सर्कुलेशन। एज द नेम सजेस्ट, ओशन सर्कुलेशन यानी ओशन का जो पानी है वो कैसे सर्क्यूलेट होता है वो अब हम पढ़ेंगे, और उसको कहते हैं ओशन सर्कुलेशन। अब ये जो पानी का जो सर्कुलेशन है, ये मेनली थ्री मूवमेंट्स के कारण होता है। ये मूवमेंट ओशन में होते हैं, और ये मूवमेंट कौन कौन से है, ये मूवमेंट है वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। ये तीनों मूवमेंट अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, वील कवर ऑल ऑफ दैट। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी सिंपल वे में आई ट्राई टू एक्सप्लेन, एंड आई होप आपको सब क्लियर होएगा चैप्टर के एंड तक। बट बिफोर वी प्रोसीड, एक बहुत ज़रूरी फीचर है किसका, ओशन का, जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, नॉट जस्ट टू पास योर एग्जाम बट जनरल नॉलेज के लिए भी एक फीचर आपको ओशन का हमेशा याद रहना चाहिए, एंड दैट इज ओशन में जितना भी पानी होता है दैट इज कंटिन्यूसली मूविंग, इट इज नेवर स्टिल। कहने का मतलब है ओशन में जो पानी होता है वो कभी भी ठहरा हुआ नहीं होता, इट इज लाइक दैट नॉटी किड, एकदम शैतान बच्चा है ओशन का पानी, जो एक जगह से दूसरी जगह एकदम कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, इट नेवर सिट्स एट वन प्लेस। जैसे आपको मम्मी पकड़ पकड़ के दूध पिलाने की कोशिश करती होगी, एंड वॉट डू? यू जस्ट रन अवे, आप दूध से भगते रहते हो, इधर जाते हो, उस रूम में जाते हो, एवरी टाइम यू जस्ट मूव अवे द मोमेंट योर मॉम ब्रिंग्स मिल्क फॉर यू, राइट? वैसे ही ये जो ओशन है ना, ओशन का जो पानी है ये भी आपके जैसा ही एकदम नॉटी है, एकदम शरारती बच्चा है, ये एक जगह पर टिक के बैठ ही नहीं सकता, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ये इट इज नेवर स्टिल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ओशन का, दैट ओशन वाटर इज नेवर स्टिल, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग। अब जो पॉन्ड्स होते हैं, जो लेक्स होते हैं, या इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट जो नदियां होती हैं, जो रिवर होती है, अगर आपने कभी कोई नदी या पॉन्ड या लेक देखा होगा तो वहां पे जो पानी होता है वो काफी शांत होता है, ऐसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह वेव्स के फॉर्म में मूव नहीं कर रहा होता है, काफी स्लो स्पीड पे बह रहा होता है। बट ओशन का जो पानी है इसमें तो लंबी लंबी लहरें आती हैं, बहुत लंबी लंबी वेव्स आती हैं, एंड इट कंटिन्यूसली मूव्स। जैसे कि आप इस जिप में भी देख सकते हैं कि जो पानी है इसमें कितनी सारी वेव्स आ रही हैं, इट इज कंटिन्यूसली मूव। अब ये वेव क्या होती है, ये टाइड्स क्या होती है, ये करंट्स क्या होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊं, स्टार्टिंग विद वेव्स। अब वेव्स क्या होता है, पहले हम वेव्स की डेफिनेशन देखें। व्हेन वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो गई, आई नो, बट इस डेफिनेशन को हम पार्ट्स में ब्रेक करके देखेंगे। कैसे? वेन द वॉटर यानी कि पानी ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन, यानी ओशन का जो सर्फेस है, ये जो सर्फेस है ओशन का, वेन द वॉटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल। राइजेज एंड फॉल का क्या मतलब है, इस जिफ्ट में देखिए, यहाँ पानी राइज कर रहा है और फिर यहाँ पे फॉल कर रहा है, फिर वापस यहाँ से राइज कर रहा है और फिर यहाँ पे फॉल करेगा, फिर वापस राइज करेगा और फिर वापस फॉल करेगा। तो ये कंटिन्यूसली पानी राइज कर रहा है फिर फॉल कर रहा है, कहाँ पे? ओशन के सरफेस पे, सरफेस लेवल पे, जो ओशन का जो सरफेस लेवल है वहां पे पानी राइज एंड फॉल कर रहा है। कैसे? ऑल्टरनेटली।
अभी ऑल्टरनेटली का क्या मतलब है, देखिए पहले पानी राइज करेगा फिर फॉल करेगा, फिर वापस राइज करेगा फिर वापस फॉल करेगा, फिर राइज फिर फॉल, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है, ये चलता रहेगा जहां पे ये ऑल्टरनेट रोटेशन पर बैठ रहा है, पहले राइज फिर फॉल, फिर राइज फिर फॉल, फिर राइज, तो ये जो राइज हो रहा है ये एक ऑल्टरनेट मूवमेंट में हो रहा है, और ये जो फॉल हो रहा है ये भी एक ऑल्टरनेट मूवमेंट में हो रहा है। तो यानी कि जब ओशन के सरफेस पे पानी उठता और बैठता, उठता बैठता, राइज एंड फॉल ऑल्टरनेटली कहता है, तो उसे हम कहते हैं वेव। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमने वेव की जो डेफिनेशन है वो तो समझ ली कि वेव क्या होता है, सर्फ ओशन के सरफेस पे जब पानी राइज एंड फॉल करता है ऑल्टरनेटली, तो उसे हम कहते हैं वेव। बट ये वेव फॉर्म कैसे होती है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन को समझा है कि वेव होता क्या है, बट अब हम समझेंगे कि वेव बनती कैसे है। तो वेव्स आर फॉर्म बाय विंड, यानी कि तेज हवाओं से। अब इसको आप ऐसे समझे, आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। बचपन में जब हम स्विंग्स पे बैठते थे तो क्या होता था, वेन वी यूज टू सिट ऑन द स्विंग, तो हमारे को पीछे से कोई पुश करता था। जब जैसे ही हमारे मम्मी पापा या बड़ा भाई या बहन कोई हमें पुश करता था, तो वो स्विंग आगे जाता था, फिर थोड़ी देर बाद वापस आता था, फिर वो हमें वापस पुश करते थे एंड देन हम वापस पीछे आते थे। तो वैसे ही ये जो पानी है, ओशन का जो पानी है, इसका एक बेस्ट फ्रेंड है विंड, यानी कि तेज हवाएं। अब ये विंड जब पीछे से आके पानी को, ओशन के पानी को पुश करता है, तो वेव्स बनती है, वो वेव्स राइज होती हैं, वो वेव्स फॉल होती हैं, वो राइज होती हैं, वो फॉल होती हैं। यानी विंड आके वाटर को कहती है कि चलो थोड़ी सी ना मस्ती करते हैं, और वो स्विंग झूलने लग जाते हैं। कैसे, विंड पीछे से आके पानी को धक्का देती है एंड पानी एकदम जोर से आगे जाता है, वो राइज करता है, फिर जैसे स्विंग पीछे आता है पानी वापस नीचे आता है, इट फॉल्स, फिर वापस धक्का देती है विंड, फिर वो वापस राइज करता है और वापस फॉल करता है। सो इट इज जस्ट लाइक अ स्विंग। अब ये बहुत कॉमन सेंस है, जितनी जोर से हमें स्विंग पे पीछे से धक्का आता था उतना हम आगे जाते थे, है ना। वैसे ही जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी, जितना फोर्स विंड पानी पे एग्जर्ट करेगी, उतनी ज्यादा वेव हाई होगी। तो अगर हाई विंड है, यानी बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो हाई वेव्स होगी। और अगर जब कभी आंधी तूफान आता है, मतलब जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई वेव्स बनेंगी। ये जो वेव्स होती हैं, जो स्टॉर्म के टाइम पे, यानी जो आंधी तूफान के टाइम पे जो वेव्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये बहुत डैमेज फैला सकती हैं। तो आई होप वेव्स क्या होती है, वेव्स कैसे फॉर्म होती है, विंड का क्या रोल होता है यहाँ पे, पूरा आप सबको इस स्विंग के एग्जाम्पल से क्लियर होगा। और ये स्विंग का एग्जाम्पल इवन अगर आप एग्जाम टाइम पे याद रखोगे, तो ट्रस्ट में आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप एग्जाम में पूरा अच्छे से लिख सकते हो। एंड नॉट ओनली एग्जाम, क्योंकि एग्जाम भी हमारा मेन गोल नहीं है, हमारा मेन गोल है नॉलेज बढ़ाना। तो आपकी नॉलेज जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वेव का, इतने अच्छे से आपको समझ आ जाएगा दैट यू विल नेवर फॉरगेट। तो जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया वो हमेशा याद रखना। नाउ वी मूव टू सुनामी। अब सुनामी क्या होता है, सुनामी अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, या जब अंडर वाटर स्लाइड्स आती हैं, तो जो ओशन का पानी है वो शिफ्ट हो जाता है, वो अपनी जगह से खिसक जाता है, और जो हाई वेव्स आती हैं उसे हम कहते हैं सुनामी। ये तो हुई डेफिनेशन, बट अगेन हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे। तो अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, और उस चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उस वीडियो में, तो वो पहले देखें, ताकि आपको जो ये सुनामी का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड का जो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, तो आपको सुनामी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी समझ आएगा। इसलिए प्लीज जाके वो पहले वाला वीडियो देखिए। बट
जैसा हमने पढ़ा था अर्थक्वेक क्या होता है, जब जो लैंड होता है, जब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है अगर वो मूव करती है तो एक वाइब्रेशन पहुंचती है लैंड के सरफेस पे, उस वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। वोल्केनिक इरप्शन क्या था, जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर से आता आता अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब बात आती है अंडर वाटर लैंडस्लाइड क्या है, तो हमें ये पता है ओशन के अंदर यानी अंडर वाटर पानी के नीचे लैंड होती है, ओशन बेड भी जिसे हम कहते हैं। जब ये ओशन बेड की लैंड खिसक जाती है यानी कि नीचे की तरफ स्लाइड हो जाती है, एज द नेम सजेस्ट, व्हेन द लैंड स्लाइड्स या फिर नीचे की तरफ बैठ जाती है, धसक जाती है, तो उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। और जब यही लैंड पानी के अंदर जो लैंड है जब वो ऐसे स्लाइड करती है तो उसे हम कहते हैं अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो अब जब अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड जब पानी के अंदर होते हैं यानी कि ओशन के नीचे, ओशन का जो लैंड है, ओशन के अंदर भी जो ओशन बेड है वहां पे अगर ये तीनों कोई नेचुरल फिनोमिनन होते हैं तो जो ओशन का वाटर है, ओशन का पानी है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शिफ्ट हो जाता है यानी अपनी जगह से कोई दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, जिसके कारण बहुत लंबी लंबी वेव्स फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं सुनामी। तो अगर आप ये पहला वाला जिफ देखेंगे तो यहाँ पे जो वेव है इतनी बड़ी है कि अगर ये फ्लो होते होते ये जो लैंड है यहाँ पे, ये जो घर बने हुए हैं, इतनी बड़ी वेव्स अगर आके इस घरों पे गिरेगी तो पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं अगर हम सेकेंड वाले जिफ में देखें तो यहाँ पे जो है पानी इतना ज्यादा इनकी वेव्स आ रही है सेकेंड जिफ में कि बिल्डिंग की ऑलमोस्ट आधी आधी बिल्डिंग्स यहाँ पे पानी की वेव से कवर हो जाती है और पूरी सिटी में जो पानी हम देख रहे हैं, पूरी सिटी में पानी इतना स्ट्रॉन्गली आ रहा है, इतनी लंबी लंबी वेव्स होती हैं। ये दोनों सुनामी के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वेव्स इतनी होती है। एक सुनामी की जो वेव होती है उसकी एवरेज हाइट होती है 15 मीटर, यानी कि आप मान लो कि एक जो 5 फ्लोर की जो एक लंबी अच्छी लंबी बिल्डिंग है उसकी हाइट जितनी, उस बिल्डिंग की जितनी हाइट है उतनी हाइट जितनी तो सुनामी की सिर्फ वेव होती है। जस्ट इमेजिन अगर इतनी हाइट की वेव हमारे ऊपर गिरेगी तो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रक्शन होगा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन या ह्यूमन लाइफ का, एनिमल लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए सुनामीज आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। अब इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। सो एन एवरेज स्पीड ऑफ सुनामी इज 700 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है, लाइक 1 घंटे में ये लोग 700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब कितनी उनकी स्पीड होगी, हम कार से भी अगर जाएं तो हम 1 घंटे में सिर्फ 60 to 70 किलोमीटर एवरेज स्पीड पे कवर कर सकते हैं, बट ये लोग 1 घंटे में 700 किलोमीटर, यानी आप मान लीजिए 1 घंटे में ये लोग जयपुर से सीधा मुंबई या अहमदाबाद के आसपास कहीं पहुंच रहे हैं। तो ये कितनी हाई स्पीड है, इतनी हाई स्पीड और इतनी स्ट्रॉन्ग वेव सुनामी की होती है, इसलिए जो डिस्ट्रक्शन सुनामी से होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। ऐसी ही एक सुनामी इंडियन ओशन में 2004 में आई थी और इतनी तबाही मचा के गई कि वो हम आज भी याद करते हैं। सो सुनामी स्ट्रक द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। क्यों, क्योंकि सुमात्रा, सुमात्रा एक जगह है इंडोनेशिया में, वहां पे अर्थक्वेक आया था। वो अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो पानी की जो वेव्स थी इंडियन ओशन में, जो वेव्स क्रिएट हुई उस अर्थक्वेक से, इतनी ज्यादा वेव्स हुई कि वो इंडोनेशिया से इंडिया तक वहां पे इस सुनामी का डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी अर्थक्वेक कैसे आया, तो जैसे आपको याद होगा लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये जितने भी ओशन और कॉन्टिनेंट्स होते हैं इनके नीचे होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स जिनमें मूवमेंट होता है। तो अब क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, इतना मूवमेंट हुआ कि जो सेम लेवल था उस सेम लेवल से इंडियन प्लेट नीचे हो गई और बर्मा प्लेट के अंदर आ गई। अभी जब बर्मा प्लेट के अंदर गई, टकरा गई उससे, तो एक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्रिएट हुआ, एक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फॉर्म हुआ।
हमने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि अगर 6 और 7 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आता है तो वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे तो अर्थक्वेक 9 मैग्नीट्यूड का आया था, तो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कितनी डिस्ट्रक्टिव, कितना स्ट्रॉन्ग ये अर्थक्वेक रहा होगा। और फिर अर्थक्वेक से हुई आई सुनामी, यानी अर्थक्वेक से जो ओशन का पानी था वो शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने से इतनी लंबी इतनी हाई वेव्स बनी कि इंडोनेशिया से उसका इफेक्ट सीधा इंडिया तक आया। ये जो सुनामी थी इट ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी पावरफुल थी कि हर घंटे 800 किलोमीटर्स दे हैड द पावर टू कवर 800 किलोमीटर्स पर आवर। इसलिए जो सुमात्रा से डिस्ट्रक्शन और वेव सीधा इंडिया तक आई, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था इंडिया पे, वहाँ पे एक लाइट पोस्ट था, एक लाइट हाउस था। लाइट हाउस की हाइट यूजुअली काफ़ी अच्छी होती है, लाइक 2 to 3 फ्लोर्स का एक लाइट हाउस होता है। बट ये जो सुनामी थी, सुनामी की जो वेव्स थी ये इतनी पावरफुल थी कि अंडमान एंड निकोबार पे जो इंदिरा पॉइंट करके जो लाइट हाउस था वो पूरी तरीके से इन वेव्स के अंदर डूब गया था, इट कम्प्लीटली गॉट सबमर्स्ड। और जो स्टेट्स थे, जो इंडिया के जो स्टेट्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इस सुनामी का, वो थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पुडुचेरी तमिलनाडु के ही अंदर एक सिटी आती है, एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की विच कम्स अंडर तमिलनाडु। और ये कुछ एरियाज थे जो बहुत बहुत डीपली अफेक्ट हुए थे। पुडुचेरी सॉरी डजंट कम अंडर तमिलनाडु, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, वो तमिलनाडु के पास है। अब अगर हम इस मैप से देखें तो ये जो ये जो रीजन है दैट इज सुमात्रा, यहाँ पे आया था 9 स्केल का अर्थक्वेक। कैसे आया था? जब ये इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के अंदर चली गई थी, अंदर स्लाइड कर गई थी, तो अब 9 स्केल का जो है अर्थक्वेक वो आया था। और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे था एक इंदिरा पोस्ट जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। तो ये जो इंदिरा पोस्ट था ये पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था, पूरी तरीके से डूब गया था। और यहाँ पे जो सुनामी जो आई थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि ये ट्रैवल करते करते इंडिया तक पहुँच गई थी, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ तक पहुँच गई थी, और तमिलनाडु, पुडुचेरी और जो आंध्र प्रदेश था, और यहाँ पे जो केरला था, ये वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स थे। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन था बहुत ज़्यादा था, इनफैक्ट ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इस सुनामी में अराउंड 10,000 लोग मर गए थे, और कितने इंजर्ड हुए थे वो तो इससे भी ज़्यादा एक हाई नंबर है। अराउंड 30 to 40 पीपल वर सीवियरली बैडली इंजर्ड, वेर एज 10,000 पीपल स्ट्रेट अवे डाइड इन दिस सुनामी। तो इस केस स्टडी से हमें पता चलता है कि हाउ मच डिस्ट्रक्टिव सुनामीज कैन बी। नाउ वी मूव अहेड टू टाइड्स। अभी तक हमने पढ़ा वेव्स। वेव्स क्या होती है? वेव्स होती थी ओशन के सरफेस पे जो राइज एंड फॉल अल्टरनेट वे में होती थी, उन्हें हम वेव्स कहते थे। बट अब हम सीखेंगे टाइड्स क्या होती है। ये वो डिटर्जेंट वाला टाइड नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना। बट एक ओशन में एक फिनोमेना जो डेवलप होता है उसे हम टाइड कहते हैं। अब ये फिनोमेना क्या होता है? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। अब ये डेफिनेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ आता है, और आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा वो भी मुझे समझ आता है कि एक बार में मैंने डेफिनेशन पढ़ती उससे आपको टाइड्स क्या होती है नहीं समझ आएगा। तो अगेन वील ब्रेक दिस डेफिनेशन और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी राइज एंड फॉल लिखा हुआ है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। अब एक कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, मैम ने तो कहा था वेव्स में राइज एंड फॉल होता है और अब टाइड में भी राइज एंड फॉल होता है, तो ये क्या है और कैसे होता है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, वेव्स में हमने क्या पढ़ा था, जो पानी जो राइज एंड फॉल कर रहा है वो ओशन के सरफेस पे कर रहा है। बट टाइड्स में क्या है, राइज एंड फॉल पूरा ओशन वाटर का हो रहा है,
यानी कि ओशन में जितना भी पानी है वो पूरी जो वाटर लेवल है वो पूरा वाटर लेवल राइज एंड फॉल कर रहा है। यहाँ पे सरफेस पे कोई वेव्स नहीं बन रही है, यहाँ पे सरफेस पे पानी मतलब ये सरफेस है और इसी के ऊपर कोई राइज एंड फॉल होके वेव्स नहीं बन रही है, बट यहाँ पे जो राइज एंड फॉल हो रहा है वो ओशन में जितना पूरा पानी है उस पूरे पानी का राइज एंड फॉल हो रहा है। यानी कि ओशन का जितना भी पूरा जो वाटर लेवल है ओशन के अंदर, ओशन में जितना पानी है वो राइज एंड फॉल हो रहा है कितनी बार, दिन में 2 बार। तो वेव्स जो है वो तो राइज एंड फॉल ओशन की सरफेस पे ही होती है और कंटिन्यूसली होती रहती है, मतलब जब जब विंड होगी वो राइज एंड फॉल करेगी। बट टाइड्स में क्या होता है, राइज एंड फॉल पूरा ओशन में जितना पानी है उसका राइज एंड फॉल होता है, यानी कि ओशन की वाटर लेवल का राइज एंड फॉल होता है, और दिन में सिर्फ 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ डे, उसको हम कहते हैं टाइड। नाउ 2 टाइप की टाइड्स होती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। एज द नेम सजेस्ट, हाई टाइड यानी जब वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है, जब बढ़ जाता है, और लो टाइड यानी जब वाटर लेवल कम हो जाता है। इसको हम इस पिक्चर से समझेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, टाइड इज इन रिलेशन विद द टोटल वाटर ऑफ द ओशन, ओशन का वाटर लेवल। तो अगर हम पहली फोटो में देखें तो यहाँ पे 2 हिल्स हैं, 2 छोटे छोटे माउंटेन्स आप कह सकते हो। तो जो पहली पिक्चर है यहाँ पे पानी सिर्फ यहीं तक है और ये फर्स्ट माउंटेन और सेकेंड माउंटेन दोनों हमको दिख रहा है, यानी कि लो टाइड्स है। बट अगर हम हाई टाइड्स की बात करें तो यहाँ पे पानी ओशन वाटर इतना बढ़िया है कि जो पहला माउंटेन है वो तो ऑलमोस्ट डूब ही चुका है और जो सेकेंड माउंटेन है वो भी ऑलमोस्ट आधा पानी से कवर्ड है। सो लो टाइड में पानी का जो लेवल होता है वो बहुत कम है और जो हाई टाइड है ओशन का जो वाटर लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आई होप ये दोनों डायग्राम से आपको लो टाइड और हाई टाइड में डिफरेंस समझ आ गया होगा। टाइड के लिए हमेशा ये बात रखनी है कि ओशन का जो पूरा वाटर लेवल है, पूरा जो ओशन का वाटर है वो राइज एंड फॉल होता है, वो कम ज्यादा होता है। सो आई होप टाइड क्या होता है, लो टाइड हाई टाइड, ये आपको क्लियर होगा। बट एक फिर से क्वेश्चन आता है जो हमें वेव्स के टाइम पे भी आया था कि टाइड्स फॉर्म कैसे हुई, कैसे ये टाइड्स बनी, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ डेफिनेशन समझी है और लो टाइड और हाई टाइड यानी 2 टाइप की जो टाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं वो हमने समझा। बट ये टाइड्स बनती कैसे हैं, वेव्स का तो हमें पता है विंड से वेव्स बनती हैं, बट टाइड्स कैसे बनती है। सो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय सन एंड मून ऑन अर्थ सर्फेस कॉजेस टाइड्स। मतलब क्या है, पहले ये समझिए, अगर ये पेन है इसको मैं यहाँ से नीचे गिराऊंगी तो ये, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगी तो ये नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो लैंड है, जो सरफेस है, वहां पे ग्रेविटी, अपना ग्रेविटी इज एक्टिंग विच इज पुलिंग माई पेन डाउन, वो नीचे की तरफ खींचेगी। वैसे ही जो सन है और जो मून है उनका भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जो अर्थ और ये जो फोर्स है, ये सन एंड मून, ये अपना फोर्स अर्थ के ऊपर लगाते हैं, ये अपनी जो ग्रेविटी का जो फोर्स है ये अर्थ के ऊपर लगाते हैं। और क्या होता है, इसके कारण ये जो अर्थ पे जो पानी है, सन और मून उस पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्या होता है। जैसे सपोज ये मेरा हाथ है, इसको अगर यहाँ से कोई खींचेगा तो मैं इस तरफ ऐसे उस तरफ खींच जाऊंगी जहां से मुझे कोई खींच रहा है, राइट। वैसे ही सन और मून अर्थ का जो पानी है यानी कि जो ओशन वाटर है उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो पुल होता है। जितनी ज्यादा फोर्स होती है उतना ज्यादा वो पुल होएगा, उतना ज्यादा वो उस डायरेक्शन में खींचेगा, और इसको हम कहते हैं टाइड्स। टाइड्स जो है वो ऐसे फॉर्म होती है, जब हमें कोई खींचता है, अगर आपका कोई हाथ यहाँ से खींचेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो आप लेफ्ट हैंड साइड पुल हो गए, राइट। वैसे ही जो ओशन का जो वाटर है उसको सन एंड मून अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं, तो वाटर उस साइड में पुल होता है। पुल कैसे होता है, इट क्रिएट्स लाइक बहुत लंबी लंबी वेव्स आ जाती हैं, या फिर जो पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो राइज एंड फॉल होता रहता है, जिसको कहते हैं टाइड्स। इसको हम और अच्छे से समझेंगे, बट फर्स्ट हम समझेंगे हाई टाइड्स क्या है और जो 2 टाइप की टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड एंड नीड टाइड्स, वो क्या है।
वाटर ऑन अर्थ क्लोजर टू मून गेट्स पुल्ड बाय मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड। तो यानी कि आप ये समझो, ये अर्थ है और यहाँ पे मून है। अब इस साइड में अर्थ का जो रीजन जो मून के पास है, जो भी साइड, जब मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे एग्जर्ट करता है, यानी कि जो मून है वो अर्थ का पानी जो इस रीजन में है अपनी तरफ खींचता है, तो पानी में जो क्रिएट होता है, पानी का जो वाटर लेवल है वो जो हाई जो रेज होता है उसको कहते हैं हाई टाइड। देखिए बहुत सिंपल है, अगर कोई यहाँ से फोर्स, यहाँ से कोई कोई हमें खींचेगा तो हम उस साइड में खींचे चले जाएंगे, राइट। हम उस साइड में मूव करेंगे। वैसे ही जब मून ओशन के पानी को खींचता है तो ओशन में जो है हाई टाइड्स क्रिएट होती हैं। तो आई होप हाई टाइड्स कब क्रिएट होती हैं और कैसे क्रिएट होती हैं आपको ये क्लियर होगा। अब दो टाइप की टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। जब फुल मून डे होता है या फिर न्यू मून डे, हमने पुरानी क्लासों में 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि मून जो है वो हर 15 डेज में अपने शेप बदलता है, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। तो वैसे ही होता है फुल मून डे और न्यू मून डे, जब नया मून होता है और जब पूरा फुल मून डे होता है। तो इन दो टाइम पे क्या होता है, सन मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं, और जब वो एक ही लाइन में होते हैं तो एक्स्ट्रा पुल होता है। देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मुझे दो लोग खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर दो लोग मुझे खींचेंगे तो मैं बहुत तेजी से इस साइड पे पुल होंगी, बहुत तेजी से इस साइड में खींची चली जाऊंगी क्योंकि मुझे दो लोग खींच रहे हैं। वैसे ही जब सन मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं तो सन भी अपना फोर्स एग्जर्ट करता है, मून भी पानी को पुल करता है, मतलब दो फोर्सेस पानी को पुल कर रही हैं, अर्थ के ओशन वाटर को पुल कर रही हैं। तो जब दो फोर्सेस पुल कर रही हैं तो ऑब्वियसली जो टाइड्स होंगी वो बहुत हाई होंगी क्योंकि उन टाइड्स पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी टाइड्स को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ये कब होते हैं, फुल मून डे पे और न्यू मून डे पे। क्यों होते हैं, क्योंकि तब सन मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो दैट कॉजेस स्प्रिंग टाइड्स। इसी का ही थोड़ा सा ऑपोजिट होता है नीप टाइड्स। अब नीप टाइड्स क्या होते हैं, व्हेन मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन अवे इन डायगनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, बट मून जो है वो यहाँ है, यानी कि अपने फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि कुछ इस वे में है, यहाँ पे सन, यहाँ पे अर्थ, और मून जो है वो अपने फर्स्ट क्वार्टर में है। और अगर मून यहाँ पे होता है तो हम कह सकते हैं लास्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर में। तो क्या हो गया, सन यहाँ से अपना पुल एग्जर्ट कर रहा है और मून यहाँ से अपना पुल एग्जर्ट कर रहा है। इसको फिर से हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज यहाँ से मेरा कोई हाथ खींच रहा है और यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन से राइट साइड से भी कोई मेरा हाथ खींच रहा है, तो जब दोनों साइड से मेरा कोई हाथ खींचेगा तो मतलब जो फोर्स है वो बैलेंस हो गई, यहाँ से भी खींच रहा है यहाँ से भी खींच रहा है, तो उस वे में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा मेरा, ना तो मैं ज्यादा इस तरफ जाऊंगी ना मैं ज्यादा इस तरफ जाऊंगी, जहां पे हूँ वहीं पे थोड़ा सा मूवमेंट इधर उधर हो जाऊंगी। वैसे ही जब सन यहाँ पे होता है और मून यहाँ पे होता है तो ये दोनों अर्थ के पानी को अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, बट बिकॉज दोनों जगह से जो फोर्स है, दो जगह से फोर्स है, इसलिए जो है पानी में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, जो पानी का जो वाटर लेवल है उसमें ज्यादा कुछ रेज नहीं होता, इसलिए इन सच केस लो टाइड्स क्रिएट होती हैं, और उन लो टाइड्स को हम कहते हैं नीप टाइड्स। इस डायग्राम से हम समझेंगे, जब पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग टाइड की, तो स्प्रिंग टाइड में भी पहले हम न्यू मून का देखेंगे फिर फुल मून का देखेंगे। तो न्यू मून के टाइम पे क्या होता है, सन मून और अर्थ दोनों एक ही लाइन में है, तो अब अर्थ पे जो है मून का भी जो फोर्स है वो एग्जर्ट हो रहा है और सन का भी जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि दो फोर्सेस एक ही अर्थ पे एग्जर्ट हो रही हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे क्या होगी, हाई टाइड्स।
दो जगह से फोर्सेस है, ऐसे समझो दो जगह से आपको कोई लेफ्ट साइड से खींच रहा है, तो आप बहुत ज्यादा तेजी से उस तरफ में खींचे जाओगे। वैसे ही न्यू मून के टाइम पे मून भी अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्सर्ट करता है, और सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, तो जो ओशन का पानी है उनमें बहुत ज्यादा हाई टाइड्स आ जाती है। सेम गोज फॉर फुल मून डे, सन भी अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और मून भी अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में फिर से जो होगा हाई टाइड्स होंगे। बट अगर अब हम नीप टाइड्स की बात करें तो यहाँ पे जो है मून अपने फर्स्ट क्वार्टर में है, और जब अगर मून यहाँ तक मूव करते 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 अगर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो वो अपने थर्ड क्वार्टर में होगा या फिर लास्ट क्वार्टर में होगा। तो जब मून इस पोजीशन में या इस पोजीशन में होता है तो क्या होता है, सन अपना पुल यहाँ से करता है और मून अपना पुल यहाँ से करता है, तो दो डायरेक्शंस में पानी जो है दो डायरेक्शन से, दो ऑपोजिट डायरेक्शन से पानी में जो है पुल आ रहा है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन से पानी को दो लोग खींच रहे हैं। ये दो लोग कौन है, सन और मून। तो जैसे मैंने बताया था कोई मुझे इधर से भी खींचे और कोई मुझे इधर से भी खींचे, तो उस केस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में होते हैं लो टाइड्स, जब जो ओशन का जो वाटर लेवल है जब वो बहुत कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लो टाइड्स, और जब ओशन वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यानी उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं हाई टाइड्स। तो आई होप ये जो टाइड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ हाई टाइड्स। हाई टाइड्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सो हाई टाइड से क्या होता है, अगर आप इस जिफ में देखेंगे तो ये जो बोट है ये यहाँ पे बहुत हाई टाइड्स है, और जिसके कारण ये जो बोट है ये बहुत जल्दी से अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये बहुत जल्दी से जो है आगे बढ़ रही है। तो क्या होता है, हाई टाइड से जो शिप्स हैं जो बोट्स हैं वो जो समुद्री किनारा है यानी कि जो समुद्री किनारे हैं जो तट जिसे हिंदी में कहते हैं समुद्र का तट, वहाँ पे बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो इट हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, मतलब जो शिप चला रहे हैं उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पानी में ही इतनी ज्यादा टाइड हाई है कि वो जो बोट है वो अपने आप ही आगे जाती जा रही है। तो इट हेल्प्स इन रीचिंग द हार्बर। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन फिशिंग। अब पानी का जो फ्लो है वो इतना तेज है, इतनी हाई टाइड्स हैं कि जो फिशेज हैं वो भी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक बहुत फास्ट ट्रैवल कर पाती हैं, और सच एन एरिया इज वेरी हेल्पफुल इन फिशिंग बिकॉज हाई टाइड्स में जो फिशेज हैं वो बहुत सारी हाई टाइड्स में इकट्ठी हो जाती हैं, वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हाई टाइड्स में ही फिश जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करती है। तो जितने भी फिशरमैन हैं वो हाई टाइड्स में फिशेज को बहुत ईजिली कैच कर सकते हैं। एंड थर्डली जो वाटर है जो हाई टाइड्स हैं उसमें जो राइज एंड फॉल हो रहा है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, और सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हाई टाइड्स है यानी कि जो राइज एंड फॉल हो रहा है, राइज वाटर लेवल में हो रहा है, उसको कहते हैं हाई टाइड्स, और उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तक हमने देखा वेव्स क्या होती है, वेव्स ओशन के सरफेस पे जो राइज एंड फॉल होती है ऑल्टरनेटली उसको वेव कहते हैं, और वेव कैसे फॉर्म होती है, विंड के थ्रू फॉर्म होती है। आई होप वेव्स आपको क्लियर होगा। फिर हमने पढ़ा टाइड्स क्या होती है। सो टाइड्स राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर, पूरा जो ओशन का जो वाटर है उसमें जब राइज एंड फॉल होती है तो उसको हम कहते हैं टाइड्स। ये कैसे फॉर्म होती है, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अब हम एक और इंटरेस्टिंग और जो लास्ट मूवमेंट है ओशन सर्कुलेशन का उसको पढ़ेंगे, और उसको कहते हैं ओशन करंट। अब नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा ओशन यानी पानी, बहुत सारा पानी, और करंट जैसा जो इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट फ्लो होता है वैसा ही कोई करंट ओशन में भी बन जाता होगा और उसको ओशन करंट कहते होंगे। तो आप बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओशन करंट क्या होता है, जब ओशन के सरफेस पे जो ओशन का जो पानी है वो एक डेफाइनाइट डायरेक्शन में घूमता है और घूमता रहता है उसको कहते हैं ओशन करंट्स। यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और इस ओशन का पानी
ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, हमेशा ऐसे ही जो मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे डेफाइनाइट डायरेक्शन। तो जब ओशन के सरफेस पे, जब ओशन का ही पानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलेट होता है, ऐसे कॉन्स्टेंटली मूव होता है, तो उसको कहते हैं ओशन करंट। अब ऐसे भी हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट भी मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और पानी जो है ऐसे मूव कर रहा है, तो ये भी एक, और बार बार हमेशा ऐसे ही मूव कर रहा है एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो यानी कि जब ओशन का जो पानी है वो ओशन के ऊपर ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब घूमता रहता है, पर्टिकुलर डेफाइनेट डायरेक्शन में, डेफाइनाइट डायरेक्शन में घूमता है, देन दैट इज नोन एज ओशन करंट। नाउ दो टाइप के ओशन करंट होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। एज द नेम सजेस्ट, वार्म करंट्स यानी कि गर्म करंट्स और कोल्ड करंट्स यानी कि ठंडे करंट्स। तो क्या होता है, वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है और हमने पहले के चैप्टर्स में भी ये पढ़ा है कि क्या होता है, इक्वेटर पे जो है अर्थ सन की जो है डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसलिए इक्वेटर पे बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं। बिकॉज वहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो वहाँ का जो ओशन, जो आसपास जो ओशन है, वहाँ का जो पानी है, दैट इज ऑब्वियसली वार्म, तो एक वार्म करंट क्रिएट होता है। और इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम। वहीं जो कोल्ड करंट होता है वो पोलर रीजन्स यानी कि एंटार्क्टिका या आर्टिक सर्कल के पास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, ऐसे रीजन से ओरिजिनेट करता है और इक्वेटर की तरफ यानी कि ट्रॉपिकल एरिया जो लोअर लैटिट्यूड्स है वहाँ की तरफ आता है, ठंडे से गर्म जगहों की तरफ आता है, तो उसे हम कहते हैं कोल्ड करंट्स। एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज लैब्राडोर ओशन करंट। अब हम इस वर्ल्ड मैप की तरह के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे वार्म करंट्स ओरिजिनेट होते हैं, कैसे कोल्ड करंट्स ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ वो मूव करते हैं। तो ये जितने भी रेड एरोज हैं दैट डिनोट्स वार्म करंट, और जितने भी ब्लू एरोज हैं दैट डिनोट कोल्ड करंट, और यहाँ पे है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे जो भी करंट्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एरोज हैं ऑलमोस्ट सारे रेड कलर में है, यानी कि ये वार्म करंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और जहाँ हाई टेम्परेचर होगा, बहुत कॉमन सेंसिकल बात है, वहाँ पे वार्म करंट्स होंगे, राइट। तो ये इक्वेटर के पास जितने भी करंट्स हैं सब रेड कलर में। वेयर एज ये जो पोलर रीजन है, ये नॉर्थ पोल का रीजन और ये हम कह सकते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जितने भी रीजन्स, जितनी भी वेव्स हैं, ये सारी ब्लू कलर में है, यानी कि ये सारे कोल्ड वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स, राइट। अब अगर हम इनका डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अगर मैं देखूं तो ये इक्वेटर से ओरिजिनेट होके पोलर रीजन के वहां जा रही है, राइट, और जाके जो ग्रीनलैंड करंट है यहाँ पे मिक्स हो रही है। तो ये जो है इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, राइट, पोलर रीजन के पास जा रही है। वहीं पे यहाँ पे भी अगर मैं ये साउथ इक्वेटोरियल करंट देखूं, ये वाला, दिस इज कमिंग ब्राजील करंट के थ्रू, ये नीचे एंटार्क्टिका की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे जो ईस्ट एंड वेस्ट विंड जो ड्रिफ्ट हो रही है, यहाँ पे जो ईस्ट और वेस्ट के कोल्ड करंट्स हैं, यहाँ पे पोलर रीजन की तरफ नीचे जा रही है। यानी कि क्या, जो वार्म करंट्स हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, और अब ये जो कोल्ड करंट्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ का ऑस्ट्रेलियन करंट, ये पोलर रीजन से ओरिजिनेट होके ये यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के पास जा रहे हैं। ये मतलब पोलर रीजन से इक्वेटर के पास जा रहे हैं। तो मतलब क्या, जो वार्म करंट्स हैं वो इक्वेटर से पोलर रीजन्स यानी पोल्स के पास जाते हैं, और जो कोल्ड करंट्स हैं वो पोलर रीजन से इक्वेटर के पास आते हैं। तो दिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द करंट्स। अब हम देखेंगे कि हाउ डज दिस ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया।
तो मैंने अभी कहा था जहाँ इक्वेटर है वहाँ पे सन की जो है डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसलिए वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, और जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होंगे वहाँ पे वार्म करंट्स होंगे। सिमिलरली पोलर रीजन्स पे जो सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, इसलिए पोलर रीजन्स आर मोस्टली कवर्ड बाय स्नो। जहाँ पे स्नो है वहाँ पे ऑब्वियसली कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठंडा टेम्परेचर होगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा, इसलिए वहाँ के जो करंट्स हैं वो कोल्ड होते हैं। अब कुछ ऐसी जगह होती है, अगर हम फिर से इस मैप पे आए तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये जो कोल्ड करंट्स हैं और जो हॉट करंट्स हैं वो मीट करते हैं। तो ऐसी जगह कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है ये कोल्ड करंट है, और ये कहाँ मीट हो रहा है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट में मीट हो रहा है। तो ये जो जगह है जहाँ पे दो करंट्स मीट हो रहे हैं, द प्लेस वेयर वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट्स, वो जगह पे फिशिंग बहुत आइडियल होती है। क्यों? क्योंकि देखिए वार्म करंट है और कोल्ड करंट है, दोनों मीट कर रहे हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत मॉडरेट होगा, एकदम अच्छा होगा, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडक होगी। तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है वो फिशेज को भी अच्छा लगता है, तो दे मूव टू सच मॉडरेट टेम्परेचर की जो जगह होती है वो वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो ऐसी जो जगह होती है वहाँ वो फिशिंग के लिए आइडल होती है, बट ये सेम जगह नेविगेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। नेविगेशन मतलब रास्ता ढूंढना आगे और फिर समुद्र का जो तट है, जो किनारा है, वहाँ तक पहुँचना, ऐसी सिचुएशन में बहुत, ऐसी रीजन्स में जहाँ पे दो करंट्स वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट करते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत फॉग हो जाता है, बहुत फॉगी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आगे का रास्ता क्लियरली दिखता नहीं है। तो ऐसे में जो सेलर्स होते हैं उनको रास्ता नेविगेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर वहीं अब मैं अगर बात करूं ग्रीनलैंड करंट और नॉर्वेगियन करंट, ये दोनों यहाँ भी मीट कर रहे हैं। ये जो ग्रीनलैंड करंट है ये कोल्ड करंट है, वहीं पे नॉर्वेगियन जो ये जो करंट है ये वार्म करंट है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तब ये जो रीजन्स हैं ये आइडियल होंगे फिशिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, एकदम मॉडरेट टेम्परेचर होगा जो फिशिंग के लिए आइडियल है। प्लस ऐसी सिचुएशंस बहुत फॉगी हो जाती है तो ये नेविगेट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इक्वेटर के पास हमेशा जो है वार्म करंट्स होंगी, वेयर एज नियर द पोलर रीजन्स द टेम्परेचर इज वेरी लो, विच मीन्स इट्स अ कोल्ड टेम्परेचर विच बेसिकली इन्फ्लुएंसेस कोल्ड करंट्स। तो इक्वेटर के पास होंगे वार्म करंट्स, पोलर रीजन्स के पास होंगे कोल्ड करंट्स, एंड नाउ द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, ये हमने अभी पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत मॉडरेट होता है। और ऐसे जगह कहाँ है, दीज ऐसे रीजन्स कहाँ हैं, तो एग्जाम्पल इज सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट है एंड जापान के आसपास ऐसी बहुत समुद्र हैं जहाँ पे जो है ऐसा वार्म करंट एंड कोल्ड करंट आके मीट करते हैं, तो यहाँ पे फिशिंग की बहुत आइडियल सिचुएशन होती है। बट अगेन सच एरियाज कैन मेक नेविगेशन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाती है। सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे एक साइकिल वाटर का होता है, फ्रेश वाटर सोर्सेज क्या होते हैं, पानी में ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पानी का, वाटर सोर्सेज का। फिर हमने ओशन मूवमेंट, ओशन सर्कुलेशन के तीन मूवमेंट्स पढ़े, विच आर वेव्स, विच आर टाइड्स एंड विच आर ओशन करेंट्स। तो हमने ये तीनों डेप्थ में पढ़ा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स विद माय एग्जांपल्स और जैसे मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज 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 फील फ्री टू ड्रॉप डाउन योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम। प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में टाइप कर सकते हैं एंड आई विल आंसर देम ऑल। सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर बेसिकली हाइड्रोस्फेयर के बारे में ही था।
सो हमने अब तक तीन लेयर्स जो अर्थ की जो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो तीन डोमेन्स थे एटमॉस्फेयर लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर ये सब कवर कर लिया है। एंड आगे वाले चैप्टर्स में हम बायोस्फेयर कैसे वर्क करता है क्या वेजिटेशन वगैरह क्लाइमेट हम सब पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून, आगे के वीडियोज भी बहुत ध्यान से देखना है जैसे आपने ये वीडियोज देखे बिकॉज आगे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैव क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स तो ये हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। एंड नाउ कमिंग टू द अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स, तो अगर आप अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो आपको रियल टाइम पे लाइव आपको एजुकेटर से इंटरैक्ट करने को मिलेगा, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इनफैक्ट जो एजुकेटर क्वेश्चंस पूछेगा उसके जो पोल्स होंगे आप आंसर कर सकते हैं। इट्स लाइक केबीसी जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी क्वेश्चन पूछते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि जो इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड आपको ऑप्शंस में से कोई आंसर चूज करना होगा। सो दैट इज लाइव पोल ऑप्शंस फॉर क्विज। फिर यहाँ पे एक पोल लीडर बोर्ड भी होता है जहाँ से आप अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके फ्रेंड्स ने क्या आंसर दिया वो सही था या गलत, या आपने जो आंसर दिया वो देख सकते हैं आपने आंसर सही दिया या गलत। सो देर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस। अब हम देखेंगे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। सो फर्स्ट और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है, यू गेट टू लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। आप अपने घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपको स्टडी मटेरियल देगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, एकदम आपको जो क्लासरूम के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके हाफ ईयरली मान लीजिए या मंथली जो एग्जाम होते हैं एकदम वैसी फील आएगी। आपको एक सर्टेन टाइम में लाइव टेस्ट में आपको आंसर देने होंगे, प्लस रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे आप एजुकेटर से अपने कोई भी एकेडमिक डाउट्स पूछ सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड। आपका पूरा जो सिलेबस होता है अनअकैडमिक एजुकेटर्स वो कवर करवाते हैं। आपको एक मेंटर मिलता है हु जस्ट हेल्प्स यू एंड गाइड्स यू कि कैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। सो दैट मेंटोर जस्ट गाइड्स यू, गिव यू द गाइडेंस। मैं यहाँ पे बेनिफिट्स पूरे दिन बोलती 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 रह सकती हूँ, बट अनअकैडमी के जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के, वो खत्म नहीं होंगे। सो उसके लिए सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी राइट नाउ, और जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन प्लान के वो आपके स्क्रीन पे है। तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं अनअकैडमी के, 24 मंथ पैकेज है, 18 मंथ है, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो आप वो वाला पैकेज ले सकते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो एक मोबाइल स्क्रीन एक मोबाइल जैसा दिख रहा है जिसमें जो प्राइस दिए हुए हैं, इस फर्स्ट स्क्रीन पे नॉर्म जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस दिए गए, बट अगर आप साइड में देखेंगे तो जो प्राइस 10% ऑफ होने पे क्या प्राइस है वो आपको हर मंथ हर पैकेज के लिए दिख रहा है। एंड नाउ ये 10% आपको कैसे मिलेगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इफ यू यूज माय कोड PJAIN10 तो आपको ये पूरा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले जो आप देख रहे थे 24 मंथ्स में आपका 1042 रुपीज पर मंथ लग रहा था, वही 10% डिस्काउंट होने के बाद 938 रुपीज पर मंथ लग रहा है। तो इज़न दैट वेरी नॉमिनल प्राइस, इज़न दीज प्राइसेस वेरी रीजनेबल। इसलिए मैं बार 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 कह रही हूँ आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, यू विल एक्चुअली सी योर रिजल्ट्स इम्प्रूविंग आपके बच्चे में, या अगर आप खुद 7th क्लास में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली इम्प्रूव होगी। प्लस ये जो प्राइस है ये एक्चुअल जो आपके फिजिकल ट्यूशन होते हैं उनसे काफ़ी कम है, कंपेरेटिवली कम है, और जो फिजिकल ट्यूशन क्लासेस है उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और वैसे ही अब होता है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसको आप ऐसे समझिए एक फ्लाइट होती है वो बॉम्बे टू गोवा जा रही है। अब बॉम्बे टू गोवा कुछ पैसेंजर बिजनेस क्लास में बैठ के जाएंगे एंड कुछ इकोनॉमिक क्लास में बैठ के जाएंगे, राइट।
दोनों को पहुंचना सेम ही जगह है, बट जो बिजनेस क्लास वाला होगा उसको बेनिफिट, उसके कंफर्ट, उसकी जो लग्जरी होगी, उसके जो कंफर्ट होंगे वो थोड़े से ज्यादा होंगे। वैसे ही अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीचर्स तो आपको अनलिमिटेड वहां पे भी मिलते हैं, बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़े से फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। वो क्या फीचर्स हैं? आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा वहां पे, एक पूरी पूरे बैच में, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में पूरे बैच पे आप 5-6 बच्चों पे एक मेंटर होगा, बट यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। आपको लाइव डाउट सेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन, जहाँ पे आप लाइव एजुकेटर से डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे एक पेरेंट कनेक्ट होगा, प्लस अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो आपको अन अकेडमी एक स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड करेगी कि कौन से दिन, कौन से मंथ तक आप कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी कि आपकी पूरे वीक में क्या प्रोग्रेस है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैं पूरा दिन ले सकती हूँ इन बेनिफिट्स को कंप्लीट करने में, इन बेनिफिट्स के बारे में बातें करने में, बट आपको जो करना है वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अपने आप को सब्सक्राइब करना है। ये जो है वो प्राइस दे रखे हैं फॉर 24 मंथ्स, फॉर 18 मंथ्स, फॉर 15 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे सारे जो है प्राइस दे रखे हैं, प्लस अगेन वो प्राइस दे रखे हैं जो 10% डिस्काउंट के बाद मिलेंगे। और ये 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको? मेरे कोड से, दैट इज PJAIN10। तो वो यूज कीजिए एंड प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो 7th क्लास में हैं, या फिर जिनको 7th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए थे एंड 8th क्लास या आगे की क्लासेस में, 9th 12th में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, एंड इफ द टॉपिक इज रिलेटेड, प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कीजिए एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी चैनल। बिकॉज जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हम जैसे एजुकेटर्स को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट टू यू एंड एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। सो टुगेदर वी एंड यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट। Thank you so much. That was all from my end. I hope you liked the video and I hope you understood all the concepts. So thank you so much.